हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है नो रेस्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर साथियों आज की कंट ऑफ ए क्लास में हम चार पाँच और छः नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट कंट ऑफ ए क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे तो साथियों हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं सभी के दिवाली अच्छे से गई होगी मैं आशा करता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कंट ऑफ ए क्लास को वन बाय वन एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में एन कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने बच्चे देश में हर रोज खुद खुदकुशी कर रहे हैं तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो थर्टी वन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए देखिए जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना उसकी स्थापना हुई थी ग्यारह मार्च उन्नीस छियासी को हुई थी और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बुजुर्ग व्यक्ति है तो कौन से राज्य के अंदर है ये राजस्थान के अंदर है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है तो उत्तर प्रदेश की आई सूची में अव्वल है ठीक है आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना एम के स्टालिन ने राज्य की स्थापना दिवस एक नवंबर की बजाय कब बनाने की घोषणा की है तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है ना क्या हो जाएगा तो कब किया ये अट्ठारह जुलाई को क्या बनाने घोषणा की है तमिलनाडु दिवस बनाने की घोषणा की है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ना कौन है तो आर एन रवि क्या है वहां के राज्यपाल है मुख्यमंत्री कौन है एम के स्टालिन है और हाल ही में भारत सरकार किस दिन को भाला फैक दिवस मनाने की घोषणा की है तो किस दिन को सात अगस्त को भाला फैक दिवस मनाने की घोषणा की गई है अगला देखिए हाल ही में किस दिन को विभाजन जो बीबीसी का दिवस मनाने का क्या है निर्णय लिया गया तो कौन से दिन को चौदह अगस्त को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अपनी स्टडी को सभी कंटिन्यू कर लीजिए क्योंकि जो फेस्टिवल थे वो जा चुके हैं अब डेली अपनी जो प्रिपेशन को कंटिन्यू कीजिए ठीक है देखिए तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख है ना टेड्रोस जो गेब्रे स का, का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए क्या है बढ़ा दिया गया है तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा देगा तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाँच वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा देगा तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अन्य महत्वपूर्ण तो जानकारी की बात कर देगी सौ प्रतिशत वैश्यक आबादियों को वैक्सीन लगाने वाला राज्य कौन सा बन गया तो हिमाचल प्रदेश बन गया है सौ प्रतिशत वैसव वैक्सीन लगाने वाला राज्य ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पर के नेतृत्व में चौथे जो भारत अमेरिका जो स्वास्थ्य संवाद का आयोजन किया गया तो कहाँ पे किया गया इसका आयोजन दिल्ली में आगे बढ़ते हैं देखिए कोविड नाइनटीन के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला बना दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो क्यूबा क्या बन गया है पहला देश बन गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए हाल ही में संजय सुधीर को किस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया तो कहाँ पे नियुक्त किया गया तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहाँ पे नियुक्त किया गया है तो फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये क्या गया इनको राजदूत नियुक्त किया गया है ठीक है तो ये उन्नीस के जो भारतीय विदेश सेवा के क्या रहे हैं अधिकारी रहे हैं ठीक है और ये किन का स्थान लेंगे तो ये पवन कुमार का क्या लेंगे स्थान लेंगे और जो पवन कुमार है ना यहाँ से कहाँ पे नियुक्ति कर दी गई है उनको तो रूस के अंदर क्या कर दी गई उनकी नियुक्ति कर दी गई है कुछ इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं देखिए स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो दिनेश के पटनायक को नियुक्ति किया गया है होप मिशन किस देश के स्पेस मिशन है तो यू का है और भारतीय जो प्रणाली सॉरी भारतीय प्राणी संरक्षण को सौ वर्षों की पहली महिला प्रमुख नियुक्ति अगर तो किसी किस को नियुक्त तो धरती वनर्ज्य को किया गया नियुक्ति किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं फाइव का क्वेश्चन आप सभी के सामने हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है कौन सी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है तो फाइव का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा ये क्या गया पोर्टल को लॉन्च किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है मनोहर लाल खट्टर खट्टर क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है और वहाँ के राज्यपाल भी है बंडारू दंतोत्रेय क्या है वहाँ के राज्यपाल है ठीक है और पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए किस राज्य अवर अवस्थान प्राप्त किया है तो हरियाणा प्रदेश ने किया है और किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए फेमिना मिस ग्रैंड मनिका शोकंद को गुडविल एम्बेसिडर बनाया गया तो कौन सी राज्य सरकार ने बनाया ये हरियाणा सरकार ने बनाया है ठीक है आगे देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में गोरख धंधा शब्द का क्या क्या है उस पर रोक लगा दी है प्रयोग पर तो कौन सरकार ने क्या है ये भी तो ये भी हरियाणा सरकार ने क्या है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने छः नि, का क्वेश्चन आ देखिए हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय जो नृत्य महोत्सव जो का आयोजन किया गया है तो कौन से राज्य के अंदर ये किया गया तो सेव सिक्स का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा यदि हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें देखिए जो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है ना वो कौन है तो अनुसुया उइके के क्या वहाँ की राज्यपाल है और मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है आगे देखिए हाल ही में किस राज्य में जो अचल का पहला त्यौहार है ना हरेली बनाया गया तो कहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर और किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी जो ग्रामीण जो मोबी हिंद मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया है तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है ठीक है आगे देखिए किस राज्य सरकार ने बाजर मिशन शुरू किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये मिशन शुरू किया गया है ठीक है तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मान्य महत्वपूर्ण जनखंड में ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम एग्जाम्पोर्टिव से क्योंकि प्रीवियस डेज में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया ना वहाँ पर ये उनको क्वेश्चन वाइज ऐड किए जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए सेवन का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को एजेंसी बैंक का नाम दिया है तो कौन से बैंक को दिया गया है इसका तो सेवन का जो करेक्ट आंसर कहे बंधन बैंक क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करो देखिए हाल ही में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया तो एल के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग से सुविधा शुरू की गई है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा ये शुरू की गई है और जो एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी कौन से बनी है तो एच बनी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा देखिए किसे हांगकांग और शायद बैंक कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको चुना गया है तो रजनीश कुमार को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आठ का क्वेश्चन है देखिए हाल ही में जारी जो एडेल गिव जो हरूण इंडिया प्रोप का सूचित तो इक्कीस में किसने दो हजार बीस इक्कीस में सबसे ज्यादा दान किया है तो किसने दान किया है ये तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आ जाएगा देखिए जो विप्रो के जो अध्यक्ष है ना अजीम प्रेम जी इन्होंने क्या किया है दो हज़ार जो वित्तीय वर्ष है ना इसमें उन्होंने सत्तानवे सौ ठीक है सत्तानवे सौ तेरह करोड़ रुपये दान की है ठीक है अगर हम औसत मान लें दिल्ली की तो लगभग उन्होंने कितने दिल्ली के हिसाब से कितने सत्ताईस करोड़ रुपए क्या किए उन्होंने दान किए गए ठीक है अगर हम इस सूची की कंटिन्यू बात करें तो देखिए जो एस सी एल के जो शिवनाथ दास जी है ना उन्होंने इस वित्त वर्ष में बारह सौ तिरसठ करोड़ रुपये दान किए हैं अगर हम तीसरे स्थान की बात करें तो पाँच सौ करोड़ रुपये के दान के साथ जो मुकेश अम्बानी जी तीसरे स्थान पर है इस लिस्ट के अंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जे बी महापात्रा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सौ वर्षों में सबसे ज़्यादा दान किसने किया है तो जमशेद जी टाटा ने दिया है ठीक है सौ वर्षों के और हाल ही में किसे जो नेशनल नै, फर्टिलाइजर जो लिमिटेड के नए सी एम्बली नियुक्त किया गया था तो निरपेल जल सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है और हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंध संघ के अध्यक्ष का नियुक्ति बनाया गया है तो किसे बनाया गया है तो सिक्के रंगनाथन को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने नो का क्वेश्चन है तो देखिए में में किस हाली में किन भारतीय क्रिकेटर को जो मेरी लेबोन जो क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है तो किसको दी गई है तो नो का जो करेक्ट आंसर है ना क्या हो जाएगा किनको दी गई है आजीवन सदस्यता तो इसमें जो जवाहरगढ़ श्रीनाथ सॉरी हरभजन सिंह और जवाहरलाल श्रीनाथ को इसमें ए, आजीवन सदस्यता दी गई तो ऑप्शन इसके हिसाब से डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो हरभजन सिंह और जवाहरलाल श्रीनाथ को इसमें आजीवन सदस्यता दी गई है आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तो जानकारी तक देखिए जो मेलबर्न जो क्रिकेट क्लब है ना इसकी स्थापना अठारह में हुई थी और कहाँ पे है तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और हाल ही में किस अभियंता को दुबई का गोल्ड मेजल दिया गया तो संजय दत्त को दिया गया है और किससे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपल सहनित अधिकारी नियुक्त किया गया तो इंदू मल्होत्रा को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है और किस पूर्व ऑस्ट्रे तेज गेंदबाज को जो पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्ति प्रदान किया गया सोन टैट को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है तो साथियों हमने ये करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम हिसाब से आपके इम्पोर्टेंट हैं ठीक है आप सभी से तीन की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ के मुख्यमंत्री घसी कल्याण योजना की शुरुआत की थी तो कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी तो इसकी जो शुरुआत की गई देहरादून से इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना आप उसका आंसर जरूर किया करें देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्लास का देखिए जो जी का जो सम्मेलन है दो हज़ार का ये कौन से देश के में आयोजित करने की आगे घोषणा की गई है तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा सभी साथी से गुजारिश है इसका आप आंसर जरूर करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसको देखने को मिल सकते हैं ठीक है ना तो सभी साथी इसका आंसर जरूर करेंगे इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम जो हमारी क्लास है ना सामान्य ज्ञान डोज की एक क्लास है उसको डिस्कस कर लेते हैं देखिए है। इस क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्या क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना है तो कम से कम पांच साल के लिए ठीक है कौन संवैधानिक संशोधन अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्याख्या का प्रावधान है तो बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ छिहत्तर के हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो तदर्थ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की, की जाती है तो अनुच्छेद एक सौ सत्ताईस के अंतर्गत इसे नियुक्ति प्रदान की जाती है सर्वप्रथम जो लोकायुक्त गठन उन्नीस सौ इकहत्तर में किस राज्य में किया गया था, था? तो था? महाराष्ट्र में इसका क्या क्या सर्वप्रथम गठन किया गया था और राज्य की लोक सेवा को न्यायपालिका को कार्यपालिका में पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद पचास के कै के अंतर्गत इसमें आता है तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ना ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है तो आपको इसमें पता होना जरूरी है तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सभी साथी जानने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे ठीक है और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ से हमारी ऑप्शन वेबसाइट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है लगभग साढ़े अड़तालीस हजार के समथिंग उसमें साथी जुड़े हुए हैं ठीक है तो साथियों आज का शासन यही समाप्त करते हैं ओके बाय टेक के जय हिंद जय जै भारत